हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक चमत्कारी औषधि लेकर आया हूं, जो आपके पुराने से पुराना पीलिया ज्वाइंटिस या पुराने से पुराना बुखार, अगर आपको नींद ना आने की समस्या है, खांसी है, ये सारी बीमारियां सिर्फ 3 दिन में ठीक करता है। दोस्तों, इसे कहते हैं गजरपुन्ना की जड़। गजरपुन्ना की जड़ जानते हैं दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे पुराने पुरखे हैं, पुरनिया हैं, अगर पीलिया हो जाता है तो लोग उनके पास जाते हैं और वो इसकी जो है जड़ का माला बनाकर पहनने की सलाह देते हैं, और मात्र माला पहनने से ही पीलिया ठीक हो जाता है। गजरपुन्ना की जड़ सिर्फ माला पहनने से बीमारी दूर होती है। तो आइए दोस्तों, हम इसके बारे में आपको और जानकारी देते हैं कि और कौन कौन सी बीमारियाँ इससे ठीक होती हैं और इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे। दोस्तों, यह आपके आसपास क्षेत्र में खूब मौजूद है। इस गजरपुन्ना को शुद्ध भाषा में पुनर्नवा भी कहते हैं, पुनर्नवा जो कि धरती का अमृत माना जाता है। तो दोस्तों, आइए हम आपको दिखाते हैं कि इसका प्रयोग हम औषधीय के रूप में कैसे करें और यह किन किन औषधियों में फायदेमंद है। गजरपुन्ना के फायदे, पीलिया ज्वाइंटिस में पीलिया रोग की यह अचूक और चमत्कारी औषधि है, जो कि लगातार आयुर्वेद में पीलिया ज्वाइंटिस यानी कि रक्त अल्पता ज्वाइंटिस में उपयोग की जाती है। लीवर यानी यकृत के सभी प्रकार के रोगों के लिए इस औषधि मेडिसिन की जड़ यानी रूट के रस एक्सट्रैक्ट का उपयोग यानी यूज किया जाता है। एक अनुभूत प्रयोग, ज्वाइंटिस पीलिया के रोग में पुनर्नवा की पांचांग, पांचांग का मतलब दोस्तों होता है कि 5 चीज़ें, जैसे इसका पत्ती, जड़, तना, फूल, फल, इसे कहते हैं पांचांग। पुनर्नवा यानी जिसे हम गजरपुन्ना कह रहे हैं उसी को कहते हैं पुनर्नवा। पुनर्नवा की पंचांग को उबालकर दिन में 3 दिन तक लेने से पीलिया खत्म हो जाता है। और दोस्तों, हमने देखा है, रियल में देखा है, जो हमारे पुराने बुजुर्ग हैं इससे जो है पीलिया का इलाज करते हैं, और कितना भी पुराना पीलिया हो इसके इलाज से जो है पीलिया सही हो जाता है। पीलिया में ये बहुत ही फायदेमंद है। पुनर्नवा के फायदे, पीलिया की माला, एक बार आपने ग्रामीण क्षेत्रों में यह देखा है कि पीलिया रोग यानी ज्वाइंटिस को झाड़ फूंक द्वारा तथा माला के द्वारा उतारा जाता है। यह माला पुनर्नवा की जड़ रूट ऑफ पुनर्नवा की होती है, जिसे रोगी यानी पेशेंट को पहनाया जाता है। जैसे जैसे यह माला सूखने ड्राइनेस यानी लगती है, वैसे वैसे पीलिया ज्वाइंटिस कम होता चला जाता है। ऐसा प्रयोग ग्रामीण इन विलेजेस यानी ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है। वास्तव में यह पुनर्नवा की जड़ पुनर्नवा रूट होती है, जिसे कई बार माला देने वाले लोग भी नहीं जानते कि इससे इस औषधि का नाम क्या है। पुनर्नवा मूल का काढ़ा बॉइल्ड मेडिसिन बनाकर भी पीलिया ज्वाइंटिस में बहुत ही उत्तम है, लाभकारी है। पुराने बुखार में पुनर्नवा का उपयोग, आयुर्वेद चिकित्सकों, आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर द्वारा तथा आचार्य द्वारा पुराने बुखार में पुनर्नवा का उपयोग किया जाता है, उनके द्वारा बताया गया है, जिसमें पुनर्नवा की जड़ रूट ऑफ पुनर्नवा, तुलसी के पत्ते तुलसी लीफ तथा गिलोय, ये तीनों चीज़ें, इन तीनों औषधियों को मिलाकर काढ़ा बना लीजिए, बॉइल्ड वाटर 3 मेडिसिंस बनाकर पिलाया जाता है, जिससे पुराने से पुराना ज्वर यानी कि बुखार जो है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। पुनर्नवा दोस्तों, खांसी में भी पुनर्नवा का उपयोग होता है। बदलते मौसम की खांसी, जिसे सीजनल कफ कहते हैं, बदलते मौसम की खांसी हो या किसी बीमारी की वजह से होने वाली खांसी, कफ में पुनर्नवा की जड़ को घिसकर शहद यानी हनी के साथ चटाने पर खांसी यानी कफ में तुरंत आराम यानी एक्सप्रेस रिलीफ होता है। छोटे बच्चों किड्स में भी पुनर्नवा की जड़ का रस रूट एक्सट्रैक्ट तथा साथ में पिपली का चूर्ण के साथ शहद में हनी में मिलाकर चटाने से खांसी में आराम रिलीफ होता है। दोस्तों, अगर आपको नींद नहीं आती, नींद ना आने की बीमारी में भी पुनर्नवा के फायदे, पुनर्नवा की जड़ रूट ऑफ पुनर्नवा के पानी के साथ उबालकर बॉइल्ड इन वाटर पीने से नींद यानी स्लीपनेस अच्छी आती है। तो इस तरह से दोस्तों, देखा आपने कि ये जो पुनर्नवा है, जिसे हम ग्रामीण भाषा में गजरपुन्ना की जड़ कहते हैं, यह बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही फायदेमंद है, जो कि आपके आसपास पाया जाता है। तो आप इस प्रकार की बीमारियों में इसका उपयोग कीजिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।